आज के वीडियो में आपको बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइफ पब्लिक होती है और पब्लिक उनके ऊपर काफी कड़ी नजर रखती है और उनके बारे में सब कुछ जानना भी चाहती है। रिसेंटली आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट करने के बारे में अपनी न्यूज शेयर की। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर की, जिसको फैंस ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिया। बट आपको बताते चले कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट शादी से पहले ही प्रेगनेंट थी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी 14 अप्रैल को हुई थी और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट 27 जून को की है, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद। और फैंस का यही कहना है कि आलिया भट्ट शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसी कारण दोनों ने बहुत जल्दी जल्दी में शादी की। आज जैसा कि आप सब ये भी जानते हैं कि शादी काफी जल्दी जल्दी में और रणबीर कपूर के घर पर ही हुई थी। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टांकोविक। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टांकोविक जनवरी 1, 2020 को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे और दोनों ने 31 मई को अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी। और उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि नताशा स्टांकोविक शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इसके बाद बात करते हैं दिया मिर्जा एंड वैभव रे की। दिया मिर्जा की यह सेकेंड शादी थी और दिया मिर्जा और वैभव रे की 15 फरवरी 2021 को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे। 1.5 महीने बाद 1 अप्रैल 2021 को दिया मिर्जा ने अपना बेबी बम्प लॉन्च करते हुए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी और दिया मिर्जा ने यह खुद एक्सेप्ट भी किया था कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नेहा धूपिया और अंगद बेदी। नेहा धूपिया और अंगद बेदी 10 मई 2018 को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे और 24 अगस्त 2018 को उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी। नेहा धूपिया भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और शादी उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में की थी। आप इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।